झूंसी के अंदावा में शुक्रवार को मारुति सुजुकी के गैराज में 11,000 लाइन का तार टूटकर गिर गया। इससे वहां खड़ी कारों में आग लग गई। आग लगने से कारों के CNG सिलेंडर फटने से धमाके होने लगे। इससे गैराज में खड़ी 16 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इन कारों की कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। चीफ फायर ऑफिसर RK पांडेय को आग लगने की सूचना मिलने पर कई फायर स्टेशनों से गाड़ियां पहुंच गईं। बताया जाता है कि उस समय गैराज में लगभग 400 गाड़ियां खड़ी थीं। उन्हें आग में जलने से बचा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंपनी ने विभाग से कोई NOC भी नहीं लिया था। इसके चलते नोटिस जारी करने के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। वहां के नागरिकों ने बताया कि 11,000 की हाई टेंशन लाइन कारों के ऊपर से गिरने से यह हादसा हुआ है। एक कार में सबसे पहले आग लगी, उसका CNG सिलेंडर फटा और देखते ही देखते 16 कारें आग की चपेट में आ गई। बता दें कि झूंसी के अंदावा में ब्राइट फोर व्हीलर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का मारुति कारों का यार्ड हब है। यहां मारुति की नई कारें खड़ी की जाती हैं। यहीं से प्रयागराज व उसके आसपास के जिलों में कारों के शोरूम में डिलीवरी होती है। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि गाड़ियां 11,000 के हाई टेंशन लाइन के नीचे खड़ी कर दी गई थीं। इसके लिए न तो अग्निशमन विभाग से कोई NOC ली गई थी और न ही आग बुझाने की कोई व्यवस्था थी। कंपनी की ओर से यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। कंपनी को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा।